हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में सामान्य हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए गाइस, मैंने राजस्थान हाई कोर्ट LDC 2022 की परीक्षा के लिए 7 मॉडल पेपर और 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, जहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहा जाता है, सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समास कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभाग्य में समास नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है गाइस, किसमें सही सामाजिक पद है, किसमें सही सामाजिक पद है। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा दिवारात्रि, ऑप्शन वी। चौथा क्वेश्चन, तुलसीकृत में कौन सा समास है, तुलसीकृत में कौन सा समास होगा। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीकृत में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यह बताना है कि इनमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। रसोई घर, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा। तो भाई पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलगाड़ी का सही समास कौन सा होगा, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का सही समास क्या होगा, ये रेलगाड़ी होगा, रेलगाड़ी का सही समास कौन सा होगा। तो रेलगाड़ी में हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन वी। आज जन्म शब्द का समास क्या होगा, आज जन्म में समास कौन सा होगा, आजन्मे समास हो जाएगा ऑप्शन वी, अव्ययीभाव समास। सभी बच्चे आंसर बताते हुए चलेगा और वीडियो को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि वी है और समास वी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि वी है और समास वी, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर चूज कर लीजिए आप लोग, फिर आंसर दीजिए सोच समझ कर। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा पंचानन, ऑप्शन वी। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है, इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा चौरा, यानी कि 4 राहों का समूह। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तो 4 ऑप्शन आपको आपके सामने हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में द्विगु समास कौन सा होगा, यानी कि संख्यावाचक शब्द। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा नवरत्न, नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा। सप्त सिंधु का सही समास कौन सा होगा, सप्त सिंधु में कौन सा समास होगा, सप्त सिंधु का सही समास कौन सा होगा। तो सप्त सिंधु में समास हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, यथा अनु प्रति आ भर उद हर, ये शब्द आ जाएं आंख बंद करके, अब भाई भाव समास पे टिक कर दीजिए आप। महापुरुष में कौन सा समास होगा भाई,
महापुरुष में कौन सा समास होगा? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महापुरुष में कौन सा समास होगा? तो भाई महापुरुष में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास होगा? कमल नयन में कौन सा समास होगा? तो भाई कमल नयन में समास हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधार समास। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तो इनमें आपको समास का सही विकल्प चुनना है, आंसर चूज कर लीजिए फिर आंसर दीजिए सोच समझ कर। तो भाई निम्नांकित में समास का सही विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन बी स्वर्णाक्षर, ये आपको ध्यान में रखना है। गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन में कौन सा समास है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, गुणहीन में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, गुणहीन में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, श्याम सुंदर में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधार समास। आकंठ में कौन सा समास होगा? आकंठ में कौन सा समास है? आकंठ में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो आकंठ में समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आ है, आ भर उदहर बड़ा आ, आंख बंद करके अब भाई बहुत समास पे टिक कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? जब प्रथम शब्द आपका संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब वहां पर कौन सा समास होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास होगा। जहां पर संख्यावाची शब्द हो तो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? जिस वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? यानी कि पीला अंबर है जिनका। देखिए ऑप्शन में बहुपरी समास दिया नहीं गया है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है कि पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में हो जाएगा बहुप्रिय समास। नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में कौन सा नर्ण समास का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नर्ण समास का उदाहरण कौन सा होगा, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट में नर्ण समास हो जाएगा, ठीक है। प्रतिदिन में समास कौन सा होगा भाई? प्रतिदिन, प्रति आभर उदहर, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? आंख बंद करके ऑप्शन बी पर टिक कर दीजिए, अव्ययीभाव समास होगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन निम्नलिखित में से कौन सा समास है? त्रिभुवन, त्रिभुवन निम्नलिखित में से कौन सा समास होगा त्रिभुवन में? तो भाई त्रिभुवन में हो जाएगा ऑप्शन ए, संख्यावाची शब्द है ये, द्विगु समास, त्रिभुवन यानी कि तीन। नीलकमल में कौन सा समास होगा भाई? नीलकमल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो नीलकमल में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधार समास। अगला क्वेश्चन, नीलकमल में, तो क्वेश्चन सेम ऐसे लग रहा है हमको, देखिए 26वां क्वेश्चन और 27वां क्वेश्चन एक जैसे हैं। दिन रात में कौन सा समास होगा? दिन रात में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? दिन रात, तो देखिए बीच में योजक चिन्ह है, तो जहां पर योजक चिन्ह हो जाए तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा, जहां पे अगर संख्यावाची शब्द हो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो ये दोनों आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। माता पिता, माता पिता में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको बताया था बीच में योजक चिन्ह, ऑप्शन ए द्वंद समास। पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद समास। दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास है? दयालु है जो प्रभु में कौन सा समास होगा इसमें? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मधार समास। एक दंत निम्न में से कौन सा समास है? एक दंत में कौन सा समास होगा? एक दंत निम्न में से कौन सा समास है? एक दंत, तो एक दंत में हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुप्रिय समास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीला है जो कमल में समास है, नीला है जो कमल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा, नीला है जो कमल में प्रयुक्त समास हो जाएगा कर्मधार समास, ऑप्शन ए। 34 से 156 क्वेश्चन देखेगा,
निम्नलिखित प्रत्येक में सामासिक शब्द दिया गया है, उसके नीचे उसमें प्रयुक्त समास के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें सर्वाधिक सही समास का चयन कीजिए। तो भाई आजन्म में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आजन्म में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आंख बंद करके अव्ययीभाव समास टिक कर दीजिए। यथासंभव में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आंख बंद करके अव्ययीभाव समास टिक कर दीजिए। यथा योग्य में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? यथा योग्य में आंख बंद करके अव्ययीभाव समास पे टिक कर दीजिए। जहां पर देखिए यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, आ जाए यानी कि बड़ा आ, भर आ जाए, उद आ जाए, हर हो जाए, यानी जहां पर यथा अनु प्रति आ भर उद हर आ जाए ये शब्द आ जाए वहां पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो देखिए इसमें यथा योग में तो इसमें देखिए यथा आ रहा है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। लाजवाब में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? लाजवाब। लाजवाब में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? लाजवाब। लाजवाब में प्रयुक्त समास हो जाएगा ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। अंतर्व्यवस्था में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अंतर्व्यवस्था में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? अंतर्व्यवस्था में प्रयुक्त समास हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधार समास। सम्मुख में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? सम्मुख। सम्मुख में प्रयुक्त समास तो सम्मुख में प्रयुक्त समास हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मधार समास। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, इसमें प्रयुक्त समास कौन सा होगा? कर्ता ने कर्म को, यानी कि ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। गाइस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। आंखों देखी में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? प्रैक्टिस करते रहेगा आप लोग, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है? तो आंखों देखी में प्रयुक्त समास हो जाएगा करण तत्पुरुष ऑप्शन डी। मंद बुद्धि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? मंद बुद्धि। तो भाई मंद बुद्धि में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन वी मंद बुद्धि में प्रयुक्त समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। रससिक्त, रससिक्त में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? रससिक्त में। तो भाई रससिक्त में समास हो जाएगा ऑप्शन सी करण तत्पुरुष। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक शिव में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? लोक शिव में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो लोक शिव में प्रयुक्त समास हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। यज्ञशाला में प्रयुक्त समास कौन सा होगा भाई? यज्ञशाला में प्रयुक्त समास यज्ञ का शाला, यज्ञ में शाला या यज्ञ का शाला। यज्ञशाला में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। रेल भाड़ा, रेल का भाड़ा, रेल भाड़ा में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। आशातीत, आकाशपतित में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? आशातीत, आकाशपतित में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष ऑप्शन ए। धर्म विमुख में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? धर्म विमुख में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा धर्म विमुख में हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। पदच्युत में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? पदच्युत में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो पदच्युत में प्रयुक्त समास हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, राजद्रोह में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? राजद्रोह। राजद्रोह में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? तो राजद्रोह में प्रयुक्त समास हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। तो देखिए गाइस यहाँ से आपकी संधि स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, सप्तऋषि में संधि कौन सी होगी? सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सप्तऋषि की बात हो रही है तो सप्त धन ऋषि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शोदेश्य, शोदेश्य में प्रयुक्त संधि, शोदेश्य में संधि कैसे से तोड़ेंगे आप लोग? शोदेश्य की संधि क्या होगी? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधन उद्देश्य ऑप्शन सी। अगैब में प्रयुक्त संधि कैसे तोड़ेंगे इसे आप? अगैब की संधि क्या होगी? अगैब की, तो अगैब की संधि हो जाएगी ऑप्शन बी अगधन ऐब। तथैव की संधि क्या होगी?
तथाइप की संधि क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा तथाइप की संधि। ऑप्शन डी तथा धन ऐब। मुखौटा, मुखौटा, मुखौटा की संधि क्या होगी? मुखौटा, तो मुखौटा की संधि हो जाएगी मुख धन ओटा, ऑप्शन सी। सदैव, सदैव की संधि क्या होगी? सदैव की संधि क्या होगी? तो सदैव की संधि हो जाएगी ऑप्शन डी सदाधन ऐप। अध्यक्ष, अध्यक्ष की संधि क्या होगी? अध्यक्ष की संधि क्या होगी? अध्यक्ष की संधि हो जाएगी अधिधन अक्ष, ऑप्शन डी। अभ्यप्रत्य, तो अभ्यप्रत्य की संधि क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा अभिप्रति की संधि क्या होगी? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा अभिधन अर्पित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अध्यापक की संधि विच्छेद क्या होगी? अध्यापक, अध्यापक की संधि विच्छेद क्या होगी? तो अध्यापक की संधि विच्छेद हो जाएगी अधिधन आपक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तनवंगी, तो तनवंगी में संधि कौन सी होगी? तनवंगी, तनवंगी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा तनुधन अंगी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिव्यागमन, दिव्यागमन में दिव्यागमन की संधि क्या होगी? दिव्यागमन की संधि क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा देवी धन आगमन, ऑप्शन डी। व्यवहार की संधि विच्छेद क्या होगी? व्यवहार, तो व्यवहार की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो व्यवहार की संधि विच्छेद हो जाएगी विधन अवहार, ऑप्शन सी। दायक की संधि विच्छेद क्या होगी भाई? दायक, दायक की संधि विच्छेद क्या होगी? तो भाई दायक की संधि विच्छेद हो जाएगी दय धन अक, ऑप्शन ए। नयन की संधि विच्छेद क्या होगी भाई? नयन की संधि विच्छेद क्या होगी? नयन, तो नयन की संधि विच्छेद हो जाएगी ने धन अन, ऑप्शन डी। नायक की संधि विच्छेद क्या होगी? नायक की संधि विच्छेद क्या होगी? नय धन अक, ऑप्शन ए। नायिका की संधि विच्छेद क्या होगी भाई? नायिका, नायिका की संधि विच्छेद क्या होगी? तो नायिका की संधि विच्छेद हो जाएगी ऑप्शन बी नय धन यक। पवन की संधि विच्छेद क्या होगी भाई? पवन की संधि विच्छेद क्या होगी? तो पवन की संधि विच्छेद हो जाएगी पो धन अन। भाव की संधि विच्छेद क्या होगी? भाव, तो भाई भाव की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? तो भाव की संधि विच्छेद हो जाएगी भाव धन आ। भावना की संधि विच्छेद क्या होगी? भावना, भावना की संधि विच्छेद हो जाएगी भाव धन अना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन, श्रावण, श्रावण की संधि विच्छेद क्या होगी? श्रावण की संधि विच्छेद क्या होगी? तो भाई श्रावण की संधि विच्छेद हो जाएगी श्रोधन अन, ऑप्शन बी। दिगंबर, दिगंबर की संधि विच्छेद क्या होगी? दिगंबर में दिगंबर की संधि विच्छेद क्या होगी? तो दिगंबर में दिगंबर की संधि हो जाएगी दिक धन अंबर, ऑप्शन सी। बागदान, बागदान में कौन सी संधि होगी? बागदान की संधि क्या होगी? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। वाक धन दान। अब देखिए ये वाला जो शब्द है कितना कठिन है पढ़ना, इसको फिर भी कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस की वाग्विधता, वाग्विधता की संधि क्या होगी? ऑप्शन बी वाक धन विधता, ऑप्शन बी। उदय की संधि क्या होगी? उदय की संधि क्या होगी? तो उदय की संधि हो जाएगी उत धन दय। प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि इसमें। जगदीश, जगदीश की संधि क्या होगी? जगदीश की संधि क्या होगी? तो जगत, जगत धन ईश। प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। भवदीय, भवदीय की संधि क्या होगी? भवदीय की संधि क्या होगी? तो भवदीय की संधि होगी भवत धन ई, ऑप्शन ए। प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उद्योग, उद्योग में कौन सी संधि होगी? सॉरी, उद्योग की संधि क्या होगी? उद्योग की संधि क्या होगी?
तो राइट आंसर हो जाएगा उत धन वेग। प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उद्गिन, उद्गिन की संधि क्या होगी? उद्गिन, तो उद्गिन की संधि हो जाएगी उत धन विघ्न, ऑप्शन वी। सदव्यवहार, सदव्यवहार की संधि क्या होगी भाई? सदव्यवहार की संधि क्या होगी? तो सदव्यवहार की संधि हो जाएगी सत धन व्यवहार, ऑप्शन सी। प्रयुक्त संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन संधि, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरचंद्र, सरचंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? सरचंद्र में, सरचंद्र की संधि क्या होगी? सरचंद्र की संधि क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा सरत धन चंद्र, ऑप्शन ए। उन्नति, उन्नति की, उन्नत में कौन सी संधि होगी, सॉरी उन्नत की संधि क्या होगी? उन्नति, ऑप्शन ए। उत धन नति, प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। सननियस, सननियस सॉरी संयम, संयम में, संयम की संधि क्या होगी? संयम की संधि हो जाएगी ऑप्शन डी, सत धन नियम, प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किकिर किडकर, किकिर किडकर की संधि क्या होगी? ऑप्शन बी, किम धन कर, संचालन, संचालन की संधि क्या होगी? संचालन की संधि क्या होगी? सम धन चालन, ऑप्शन डी। इसमें प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। संताप, संताप की संधि क्या होगी? संताप, सम धन ताप, ऑप्शन ए। प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। समुच्चय, समुच्चय की संधि क्या होगी? समुच्चय की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा सम धन उत धन चय, ऑप्शन ए। सचरित्र, सचरित्र की संधि क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत धन चरित्र, प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। उच्छिन्न, उच्छिन्न की संधि क्या होगी? उच्छिन्न, तो उच्छिन्न की संधि हो जाएगी उत धन छिन्न, ऑप्शन ए। प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। उच्छेद, उच्छेद की संधि क्या होगी? उच्छेद की संधि क्या होगी? उत धन छेद, ऑप्शन बी। प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। अभिषेक की संधि क्या होगी भाई? अभिषेक की संधि क्या होगी? ऑप्शन ए, अभिधन सेक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुसुप्त, सुसुप्त की संधि क्या होगी? तो सुसुप्त की संधि हो जाएगी सुधन सुप्त, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुषुम्ना, सुषुम्ना की संधि क्या होगी? तो सुषुम्ना की संधि हो जाएगी सुधन सुम्ना, ऑप्शन डी। तृण, तृण की संधि क्या होगी? तृण की संधि क्या होगी? त्रधन, ऑप्शन डी। ऋण की संधि क्या होगी भाई? ऋण की संधि क्या होगी? तो ऋण की संधि हो जाएगी ऋण, ऋण धन ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, प्रणीत, प्रणीत की संधि क्या होगी? प्रणीत की संधि क्या होगी? प्राधन्यत, ऑप्शन सी। छत्र छाया, छत्र छाया की संधि क्या होगी? छत्र छाया, तो छत्र छाया की संधि हो जाएगी छत्र धन छाया, ऑप्शन बी। स्वच्छंद, स्वच्छंद की संधि क्या होगी? स्वच्छंद, तो स्वच्छंद की संधि हो जाएगी स्वाधन छंद, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 98, संस्कार, संस्कार की संधि क्या होगी? संस्कार की संधि क्या होगी? समधनकार, प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। पयोध, पयोध की संधि क्या होगी? पयोध, तो पयोध में संधि हो जाएगी पयधन द, प्रयुक्त संधि इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। पयोधर, पयोधर में कौन सी संधि होगी? पयोधर, तो पयधन धर, ऑप्शन बी। प्रयुक्त संधि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।